हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग के बारे में, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि एमए क्लासेस के नाम से एक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन में मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का अलग अलग कोर्स बनाया हुआ है और उस कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल और मैं वहां पर आपके डाउट को भी क्लियर करता हूं। वहां पर डाउट क्लियरेंस का भी एक ऑप्शन है, चैटिंग के माध्यम से आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। तो आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें और आप वहाँ पर कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम लोग कर्व ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। कर्व ट्रेसिंग कैलकुलस का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग जब क्लास 12 में प्लेन कर्व का एरिया के बारे में पढ़े होंगे इंटीग्रल कैलकुलस के एप्लीकेशन में, तो वहाँ पर आप किसी भी प्लेन कर्व को ट्रेस करते थे, वहाँ पर ड्रॉ करते थे पहले कर्व को, उसके बाद ही एरिया निकालते थे। वहाँ पर जो आपको कर्व मिलता था, कुछ स्टैंडर्ड टाइप का कर्व मिलता था, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर्व मिलता था या फिर स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड रीजन होता था, तो वो तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अगर कोई डिफरेंट टाइप का कर्व मिले तो कैसे एरिया निकालेंगे, या फिर ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना है सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम पढ़ना है, तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम में भी आपको पहले कर्व को ट्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अलग होता है, उसका निकालने का तरीका, कर्व को ट्रेस करने का तरीका अलग होता है। कार्टेशियन इक्वेशन अगर किसी भी कर्व का दिया हुआ हो तो पोलर इक्वेशन का अलग होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का अलग होता है। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा प्रोसीड्यूर फॉर ट्रेसिंग कर्व्स हैविंग कार्टेशियन इक्वेशंस। अगर किसी कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ तो उसको ट्रेस करने का क्या प्रोसीड्यूर होता है, हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को देखेंगे। सारे प्रोसीड्यूर का जो भी रूल है या जो भी नियम है ट्रेस करने का, तो वो सारे चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करके कर्व को ट्रेस करेंगे। ये अगर आप प्रोसीड्यूर समझ लिए सारे चीज़ों का, तो आपको कर्व को ट्रेस करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रोसीड्यूर में हम लोग देखते हैं सिमेट्री के बारे में कि कर्व सिमेट्रिकल कब कहते हैं, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल कब कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कर्व है पैराबोला और उस पैराबोला का इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये कर्व का आप फिगर जानते हैं, इस कर्व का कुछ फिगर इस तरीके से होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पर है ये ओरिजिन। तो आप ये फिगर को देख रहे हैं कि जैसा फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही फिगर एक्स एक्सिस के नीचे भी है। आप यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा फिगर, बिल्कुल सेम फिगर सेम तरीके से एक्स एक्सिस के नीचे भी है। तो अगर ऐसा फिगर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोग को कर्व ट्रेस करने में, अगर सिमेट्रिकल पता कर लेते हैं तो। अगर लाइन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जैसा फिगर ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे होगा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर के लिए काम करेंगे, सिर्फ ऊपर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग वर्क करेंगे यहाँ पर। और अगर ऊपर हम लोग का ड्रॉ हो जाता है फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बिल्कुल सेम तरीके से नीचे भी ड्रॉ कर देंगे, नीचे के लिए हम लोग को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमेट्रिकल से ये फ़ायदा होगा ट्रेस करने में। तो हम लोग पता करेंगे कि कौन से लाइन के अबाउट कोई भी कर्व सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, या कुछ स्टैंडर्ड लाइन हम लोग देखेंगे उसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो वो पता करेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर फाइंड द सिमेट्री बाय अप्लाइंग फॉलोइंग रूल्स। सिमेट्री पता करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। देखिए कौन कौन सा रूल है। सबसे पहला फर्स्ट रूल है, ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ द पावर्स ऑफ वाई विच अकर इन इट्स इक्वेशन आर ऑल इवन। अगर किसी कर्व का इक्वेशन में जो भी वाई का पावर है, अगर सारा वाई का पावर इवन हो तो वो कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स। देखिए यहाँ पर ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इफ द पावर्स ऑफ वाई विच अकर इन इट्स इक्वेशन आर ऑल इवन। जहाँ जहाँ वाई का पावर होगा उस इक्वेशन में सारा जगह पावर इवन होना चाहिए, डिग्री उसका इवन होना चाहिए, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए इस कर्व के बारे में देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये तो पैराबोला का इक्वेशन है,
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y का सिर्फ एक जगह टर्म है, यहाँ पर सिर्फ y का टर्म है, यहाँ तो x का टर्म है, एक ही जगह y का टर्म है, और ये जो y का टर्म है वो इवन है। तो जहाँ भी y का टर्म हो वो इवन होना चाहिए, एक ही जगह है और वो इवन है, तो इसीलिए किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। आप जानते हैं पैराबोला का ये फिगर होता है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये पैराबोला हो जाता है और ये फिगर होता है। तो आप देखिए x एक्सिस का अबाउट ये सिमेट्रिकल है ना, तो कैसे पता करेंगे सिमेट्रिकल, सिर्फ इक्वेशन देख करके पता कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको इक्वेशन देख करके बता देंगे कि वो सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे बताएंगे, अगर वाई का पावर इवन हो, जहां जहां वाई का पावर इवन हो, मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 4ax, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो जगह वाई है, एक तो यहां पर आप देख रहे हैं वाई है और एक यहाँ पर वाई है, यहाँ तो इवन पावर है लेकिन यहाँ पर इवन पावर नहीं है, इसीलिए ये जो एक कर्व है ये वाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन आप इस कर्व के बारे में देखें तो ये कर्व में एक ही जगह वाई है और ये जो वाई है वो इवन पावर है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा कर्व देते वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 4ax या 4ax, तो ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाता। क्यों, दो जगह वाई है और दोनों जगह इवन पावर है वाई का, तो जहां जहां वाई का अगर वाई का टर्म हो वो सभी जगह वाई का इवन पावर होना चाहिए, तब वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यहां पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही जगह वाई है और इवन पावर है, इसीलिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। आप ये फिगर देखिए, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर में फिगर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पता करने के लिए सिर्फ चेक करना रहता है कि वाई का पावर इवन है या नहीं, अगर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। बिल्कुल, अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इफ द पावर्स ऑफ एक्स विच अकर इन इट्स इक्वेशन आर ऑल इवन। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स का पावर इवन हो तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और वाई का पावर इवन हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जस्ट अपोजिट है। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले वाले में पढ़े थे कि वाई का पावर देख रहे थे, वाई का पावर इवन था तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, और यहां पर देखिए कि एक्स का पावर इवन होना चाहिए, पावर्स ऑफ एक्स विच अकर इन इट्स इक्वेशन आर ऑल इवन। अगर x का पावर इवन होगा तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं x का पावर इवन है, तो x का पावर इवन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। आप इसका फिगर भी जानते हैं, ये पैराबोला है, देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये पैराबोला आप देख रहे हैं किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यहाँ पर किसका पावर इवन है, एक्स का पावर इवन है, एक जगह एक्स है तो इवन है, अगर दो जगह रहता तो दोनों जगह इवन रहता तब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता। ऐसा नहीं है कि एक जगह इवन रहे और एक जगह ऑड रहे तो फिर वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आपको एक्स का टर्म मिलता है सब जगह एक्स का पावर इवन मिलना चाहिए, तब वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, एक्स का पावर इवन तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, वाई का पावर इवन तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, अगर दोनों का पावर इवन हो तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो थर्ड में मैं वही लिखा हूँ, देखिए थर्ड में, ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस इफ द कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर किसी कर्व के इक्वेशन में सिर्फ एक्स और वाई का इवन पावर्स हो, जहां जहां एक्स हो जहां जहां वाई हो सब जगह इवन पावर ही हो, कहीं भी ऑड नहीं हो, तो वो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये तो आप जानते हैं इस एग्जांपल को, ये क्या बताता है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, तो ये जो है वो सिमेट्रिकल होगा दोनों एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि एक्स का एक ही टर्म है यहाँ पर और ये इवन पावर है, वाई का भी एक ही टर्म है ये भी इवन पावर है, तो जहाँ भी एक्स है वो इवन पावर है, जहाँ भी वाई है वो इवन पावर का है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। आप फिगर भी जानते हैं, इस इलिप्स का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जैसा फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर में है, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा फिगर, बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे भी वैसा ही फिगर है। जैसा फिगर यहाँ पर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, ये देखिए वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस तरीके का फिगर है, बिल्कुल ऐसा ही फिगर वाई एक्सिस के राइट साइड में भी है, तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो
तो अभी तक हम लोग तीन चीज देखे हैं, अगर x का पावर इवन हो तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, अगर y का पावर इवन हो तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, अगर दोनों का पावर इवन हो तो वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब चलिए कुछ और भी हम लोग आगे देखते हैं। ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग x एंड y। ये जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल निकाले, अब एक लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल निकालते हैं। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, अगर इक्वेशन में हम लोग x और y को इंटरचेंज करते हैं और इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़े। देखिए फिर से जरा समझिए, ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कब, इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग x एंड y। अगर x और y को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन जो है वो रिमेन्स अनचेंज यानी अपरिवर्तित होना चाहिए, वहां पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब वो किसके अबाउट होगा, सिमेट्रिकल y इक्वल टू x के अबाउट। एक एग्जांपल से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू, ये सिमेट्रिकल होगा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। क्यों सिमेट्रिकल होगा जरा समझिए, मैं अभी बताया हूँ कि x और y को इंटरचेंज करने से कर्व का इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जहां x होगा उसके जगह हम लोग y पुट कर देंगे और जहां y होगा उसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे x। तो देखिए ये इक्वेशन में क्या होगा, x यहां पर x क्यूब है तो x क्यूब के जगह हम लोग पुट कर देते हैं y क्यूब, और यहां y क्यूब है उसके जगह हम लोग पुट कर देते हैं x क्यूब, और यहां पर है 3ax x के जगह y और y के जगह आप x पुट कर दीजिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं, जहां x वहां पर y और जहां पर y है वहां पर x पुट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई क्यू प्लस एक्स क्यूब है, इसको एक्स क्यू को पहले लिख जाइए और वाई क्यू को बाद में लिख जाइए, और यहाँ पर थ्री ए वाई इंटू एक्स है, वाई इंटू एक्स को एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो क्या कर्व का इक्वेशन में कोई चेंज आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री एक्स वाई था, यहाँ पर भी एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई हो गया। अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिए तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, इक्वेशन जो है वो बिल्कुल अनचेंज रह गया। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ऐसा फिगर बनेगा, जरा देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये फिगर होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, फिगर इस तरीके से बनेगा, और ये जो फिगर है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। y इक्वल टू x कौन सा लाइन है, ये देखिए ये जो लाइन है यही लाइन y इक्वल टू x है, और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा इस लाइन के ऊपर में फिगर है, देखिए ऊपर में यहाँ से घूम करके यहाँ आया और फिर इधर गया है, बिल्कुल वैसा यहाँ पर इधर आया है और फिर ये इधर आ चुका है। तो जिस तरीके से y इक्वल टू x लाइन के एक साइड में फिगर है, दूसरा साइड भी बिल्कुल वैसा ही फिगर है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, y इक्वल टू x के। अब इस कर्व का इक्वेशन ये कैसे हम लोग ट्रेस करेंगे तो बताऊँगा मैं बाद में, कि इस कर्व का यही प्लॉट करने के बाद ये कर्व ट्रेसिंग यही होगा, यही कर्व होगा, इस इक्वेशन का यही कर्व होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिमेट्रिकल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका फिगर इस तरीके होता है, कैसे ये ड्रॉ करते हैं मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा तो, लेकिन ये अभी समझ लीजिए कि इस इक्वेशन का ये कर्व हो गया और ये कर्व जो है वो वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे पता किए, सिर्फ इक्वेशन देख करके पता चल गया, फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, फिगर तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ पर फिगर मैं बताया हूँ या फिगर लिखा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि y इक्वल टू x के अबाउट कैसे सिमेट्रिकल है। लेकिन पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए आपको x के जगह y पुट कर देना है, y के जगह x पुट कर देना है, अगर इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज चेंज टू माइनस y एंड y इज चेंज टू माइनस एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस लाइन की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो लाइन था y इक्वल टू x ऐसा लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है और 45 डिग्री एंगल बनाता है, ये 45 डिग्री एंगल बनाता है y इक्वल टू x, और y इक्वल टू माइनस एक्स कैसा लाइन हो जाता है, ये ऐसा लाइन होता है जो 135 डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ पर 135 डिग्री एंगल बनाता है, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, पहले हम लोग क्या किए थे, x को चेंज करके y किए थे,
और वाई को चेंज करके हम लोग एक्स किए थे। अगर ऐसा करने के बाद कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है वाई इक्वल टू एक्स। अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे और उसकी जगह माइनस वाई बैठाएंगे, और वाई को चेंज करेंगे और उसकी जगह माइनस एक्स बैठाएंगे। अगर ये काम करने से कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन में तो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि देखिए ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज चेंज टू वाई माइनस वाई, एक्स को चेंज करके माइनस वाई बैठाएंगे एंड वाई इज चेंज टू माइनस एक्स, और वाई को बैठा चेंज करके माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया तो वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 4 ए स्क्वायर x इंटू वाई है। यहाँ पर हम लोग x को हटाते हैं, x को चेंज करते हैं और x को चेंज करके उसके जगह माइनस वाई रखना है और y को चेंज करके उसकी जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, जरा समझिए। x के जगह माइनस वाई माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस y के जगह माइनस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 और इक्वल टू 4 ए स्क्वायर एक्स के जगह माइनस वाई और वाई के जगह माइनस एक्स। क्या होगा, ये माइनस वाई टू द पावर 4 तो वाई टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 ए स्क्वायर और माइनस वाई और माइनस एक्स दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। एक्स को हम लोग पहले लिख जाते हैं, वाई को बाद में। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 पहले लिखते हैं, वाई टू द पावर 4 बाद में, और इक्वल टू 4 ए स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इक्वेशन पहले ओरिजिनल इक्वेशन था वही इक्वेशन रह गया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स को चेंज करके माइनस वाई लिखे, वाई को चेंज करके माइनस एक्स लिखे, लेकिन इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, जो ओरिजिनल इक्वेशन था वही इक्वेशन रह गया। अगर ऐसा होता है तब वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स के। तो यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, अगर हम लोग एक्स को चेंज करके माइनस वाई पुट करते हैं, वाई को चेंज करके माइनस एक्स पुट करते हैं, तो कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब जरा देख लीजिए इसका फिगर, ऐसे तो फिगर कैसे बनाया जाता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ इसका। तो ये जो फिगर है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा लाइन बनेगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, जैसा फिगर इस लाइन के नीचे है आप देख रहे हैं, जैसा फिगर यहाँ पर है बिल्कुल वैसा ही फिगर दूसरे साइड भी है, लाइन के एक साइड जैसा फिगर है बिल्कुल वैसा ही दूसरे तरफ है। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम लोग कर्व का इक्वेशन देख करके ही बता सकते हैं कि वो y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। कैसे बताएंगे, x को चेंज करेंगे माइनस वाई से, y को चेंज करेंगे माइनस एक्स से, अगर कर्व का इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल। चलिए एक और हम लोग सिमेट्री में देखते हैं। सिमेट्री में होता है द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेंस अनचेंज्ड व्हेन x एंड y आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई रिस्पेक्ट। क्या मतलब हुआ, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल कैसे चेक करेंगे, अगर आप x को चेंज किए और उसकी जगह माइनस एक्स बैठा दिए, y को चेंज किए और उसकी जगह माइनस वाई बैठा दिए, और अगर कर्व का इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया तब वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में कैसे सिमेट्रिकल होगा, या देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, अभी जो फिगर मैं बताया था इसके पहले वाला ही फिगर के बारे में मैं दिखा देता हूँ कि अभी जो मैं फिगर बनाया था कुछ इस तरीके से फिगर था, तो मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन कुछ इस तरीके से फिगर था। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल है। अपोजिट क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट होता है थर्ड और सेकेंड का अपोजिट होता है फोर्थ, तो फर्स्ट में जैसा फिगर है वैसा ही फिगर अगर थर्ड में आ जाए तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो गया। अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट जैसा फिगर सेकेंड में, अगर वैसा ही फिगर फोर्थ में आ जाए तो भी वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। एक्स को चेंज करके माइनस एक्स बैठाएंगे, वाई को चेंज करके माइनस वाई बैठाएंगे, इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेंस अनचेंज्ड
व्हेन एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई रिस्पेक्टिवली। चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। कैसे? ये अपोजिट क्वाड्रेंट में कैसे सिमेट्रिकल है? एक्स को चेंज करके माइनस एक्स लिखना है, यहाँ पर लिखिए एक्स को चेंज करके माइनस एक्स और वाई को चेंज करके माइनस वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या होगा इक्वेशन? दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। वही इक्वेशन रह गया, ओरिजिनल इक्वेशन ही रह गया, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। जो इक्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं वही इक्वेशन हो गया। तो ये जो कर्व है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, ये फिगर बनता है, ये एक्चुअली एक हाइपरबोला होता है। तो ये देखिए जैसा फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बिल्कुल वैसा ही फिगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर छह तरह का सिमेट्रिकल देखे हैं। एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा? जब वाई का इवन पावर हो। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा? जब एक्स का पावर इवन हो। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा? जब दोनों का इवन पावर हो। फिर y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा? जब एक्स वाई को इंटरचेंज करने से इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। फिर y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल देखें। फिर हम लोग देखें अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। तो ये छह तरह का सिमेट्रिकल है, इसको आप याद रखिएगा। ये एक पॉइंट हुआ सिमेट्री के बारे में, तो सिमेट्री चेक करने का ये इतना तरीका हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। कुछ ऐसा कर्व होता है जो ओरिजिन से पास करता है, कुछ ऐसा कर्व होता है जो ओरिजिन से पास नहीं करता है। अगर हम लोग ये कर्व के बारे में बात करें तो ये सर्कल है, सर्कल का फिगर कुछ इस तरीके से होता है और ये ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। ये है एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और ये कर्व जो है वो इस तरीके से होता है, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ पर। तो कुछ कर्व ओरिजिन से पास करता है, कुछ नहीं करता है। कैसे पता करेंगे? सिंपल सा चीज़ है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो पास करेगा। यहाँ पर देखिए इसमें सेटिस्फाई करता है, एक्स की जगह आप जीरो बैठाइए प्लस वाई की जगह भी जीरो बैठाइए, क्या दोनों इक्वल आएगा? इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आ गया और इधर आ गया ए स्क्वायर आ गया, नॉट इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए वाई की जगह जीरो बैठाते हैं और एक्स की जगह भी जीरो बैठाते हैं, तो इधर भी जीरो आ गया और इधर भी जीरो आ गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन को अगर सेटिस्फाई कर, ओरिजिन जो है वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पास करेगा ओरिजिन से, और अगर नहीं करे सेटिस्फाई करता है तो नहीं करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हूँ, जरा समझिए इसके बारे में कि इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली देन द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। अगर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर देता है कर्व के इक्वेशन को तो वो पास करेगा ओरिजिन से। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको भी आप जरा देखिए, वी कैन से दैट इफ द कॉन्स्टेंट टर्म इज मिसिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द अलजेब्रिक कर्व देन इट पासेज थ्रू। अगर वो अलजेब्रिक कर्व है और वहां पर कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है तो वो पास करेगा ओरिजिन। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पासेज थ्रू द ओरिजिन। क्यों पास कर रहा है? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है। कॉन्स्टेंट टर्म कैसे मिसिंग है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्म है, एक यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दोनों में वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पर। सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म अगर रहे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये तो एक सर्कल का है और इस सर्कल में ये वेरिएबल का टर्म है, ये वेरिएबल का टर्म है, लेकिन ये टर्म जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट का टर्म है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का टर्म है, इसीलिए ये जो है वो ओरिजिन से पास से नहीं करेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ओरिजिन से पास नहीं। अगर किसी कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। सिंपल सा चीज़ है, एक नज़र में हम लोग कर्व के इक्वेशन को देखेंगे तुरंत बता सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, निश्चित रूप से पास करेगा ओरिजिन से। उसको पुट करके सेटिस्फाई करवा करके देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका फिगर जो है वो इस तरीके से बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का, और ये पास कर रहा है ओरिजिन से, आप देख लीजिए ये जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हम लोग सेकेंड काम ये करेंगे, पहला तो सिमेट्री, दूसरा ओरिजिन से पास करता है या नहीं वो भी चेक करेंगे। और अब थर्ड वर्क देखते हैं, तीसरा क्या रूल है, तीसरा क्या काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से कोई कर्व पास करता है
तो ओरिजिन से पास करने वाले कर्व का टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालेंगे, कहां पर? ओरिजिन पर। जैसे देखिए अभी मैं जो बता रहा था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये जो पैराबोला है ये तो पास कर रहा था ओरिजिन से, ये ओरिजिन से पास कर रहा था, कुछ इस तरीके का फिगर बनता है, तो ओरिजिन से पास कर रहा था, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन पर टेंजेंट क्या है? वाई एक्सिस इसका टेंजेंट है। तो ओरिजिन से पास करता है तो हम लोग टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या तरीका होता है ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का? बड़ा सिंपल तरीका है। जरा देखिए क्या है तरीका, जरा समझिए। इफ द अलजेब्रिक कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन, देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। क्या करते हैं हम लोग, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है देन वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देंगे जीरो से, जो भी कर्व का इक्वेशन है होगा उस कर्व के इक्वेशन में सबसे कम डिग्री का जो भी टर्म होगा, कॉन्स्टेंट टर्म तो होगा नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म तो मिसिंग रहेगा अगर ओरिजिन से पास करेंगे, जो भी टर्म होगा वो वेरिएबल का टर्म होगा, तो वेरिएबल का टर्म में जो सबसे कम डिग्री का टर्म होगा उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, वहां से आपको मिल जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन ओरिजिन पर। जरा समझिए एक एग्जांपल से, लेट अस कंसीडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, सिंस इट पासेज थ्रू द ओरिजिन, ये तो पास कर रहा था ओरिजिन से, तो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन टू दिस कर्व इज गिवन बाय, इसका ओरिजिन पर टेंजेंट क्या होता है? ओरिजिन पर टेंजेंट तो वाई एक्सिस का होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पैराबोला है उसका ओरिजिन पर अगर टेंजेंट निकाले तो वाई स्क्वायर होता है। कैसे पता करेंगे कि इसका टेंजेंट ये है? ये इक्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं। क्या करना है? लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करना है जीरो से। कौन सा लोएस्ट डिग्री टर्म है? दो टर्म है, एक तो वाई स्क्वायर, ये सेकेंड डिग्री का टर्म है, और एक फोर एक्स, यहाँ पर ये फर्स्ट डिग्री है, ये तो कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल तो एक्स है, ये फर्स्ट डिग्री है और ये है सेकेंड डिग्री, तो लोएस्ट डिग्री का टर्म यही हुआ, तो इसी को इक्वेट करेंगे जीरो से, फोर एक्स को जीरो लिखेंगे। देखिए इज गिवन बाय, क्या लिखें? फोर ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। क्या किए हैं? इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर दिए जीरो से, यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज फोर ए को आप उधर डिवाइड कर दीजिए, एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है? वाई एक्सिस होता है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस जो है वो ओरिजिन पर टेंजेंट हो जाएगा। तो कर्व के इक्वेशन देख करके ही हम लोग बता देंगे, यहाँ से ही पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होगा ओरिजिन का टेंजेंट, ओरिजिन पर टेंजेंट किसी भी कर्व का, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देंगे हम लोग जीरो से, इक्वेट कर दिए आसानी से निकल गया। तो अगर ओरिजिन से पास करता है कर्व तो वहां का हम लोग टेंजेंट भी निकाल लेंगे, ये तीसरा काम हुआ। अब एक फोर्थ वर्क क्या है ये जरा देखिए, फोर्थ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे किससे? हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पर कर्व इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, या कुछ स्पेशल लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल का मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है क्या एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो और कर्व के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कर्व का इक्वेशन ये है और वाई इक्वल टू जीरो इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से निकालना है तो क्या पुट कर देंगे? वाई इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो आप पुट कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए मैं एक थोड़ा सा सॉल्व करके इसको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और वाई की जगह आप जीरो पुट कर दीजिएगा इक्वल टू फोर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर आएगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस टू, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू कॉमा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट टू और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू कॉमा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो क्या कर रहे हैं? वाई इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है,
अगर वाई एक्सिस के साथ निकालना विद द वाई एक्सिस तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो वाई एक्सिस के साथ भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहां कर रहा है और यहां कर रहा है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और ये आसानी से निकल सकता है, वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो एक्स की जगह जीरो पुट कर दीजिए। ये तो दो काम जरूर करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब कुछ और भी लाइन के साथ भी हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, कौन सा लाइन, विद द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेंगे, कर्व और इसका, विद द लाइन वाई इक्वल टू एक्स पार्टिकुलरली इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इट। ये तब काम करेंगे जब इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तब हम लोग इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, सभी केस में हम लोग नहीं करेंगे। फिर विद द लाइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसके साथ भी निकालेंगे, लेकिन ये भी तभी करेंगे जब इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा तब। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट सभी कर्व का निकालेंगे, और ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू माइनस एक्स तब निकालेंगे जब इस सब के, इस लाइन के एक पार्ट जो है वो सिमेट्रिकल हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। अब आगे फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ में देखिए क्या करेंगे हम लोग, रीजन पता करेंगे। रीजन कैसे पता करेंगे, जरा इसके बारे में समझिए, किस रीजन में कर्व का पोर्शन होगा ये भी पता करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कर्व को ट्रेस करने के लिए। फाइंड आउट इफ देयर इज एनी रीजन ऑफ द प्लेन सच दैट नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज इन इट, हम लोग ये पता करेंगे कि किस प्लेन के किस पार्ट में कर्व का कोई भी रीजन नहीं होगा, किस में होगा किस में नहीं होगा। खास करके ये पता करना ज़्यादा जरूरी होता है कि किस में नहीं होगा, किस पार्ट में कर्व प्लेन पे कौन सा पार्ट ऐसा मिलेगा जहाँ पर कर्व का पोर्शन नहीं होगा, कैसे पता करेंगे ये जरा देखिए। सच ए रीजन इज जनरली ऑब्टेन ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर एंड फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल विच मेक द अदर इमेजिनरी, कैसे जरा इसको समझिए। मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ, सपोज कीजिए एक कर्व ऐसा वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सपोज कीजिए ये आपको दिया हुआ है, इस कर्व को ट्रेस करना है, तो ये कर्व का पोर्शन किस रीजन में नहीं होगा वो पता करें। इसको पता करने के लिए किसी एक वेरिएबल के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप y के लिए सॉल्व कर लीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप एक्स क्यू को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई टू ए माइनस एक्स हो जाएगा, टू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो ऐसे प्लस माइनस तो दोनों होगा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लिख रहे हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर का रूट अंडर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर रूट अंडर एक्स होगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर टू ए माइनस एक्स होगा। नेगेटिव साइन अभी फिलहाल नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव साइन के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या समझिएगा, अगर एक्स हम लोग जीरो से छोटा रखें तो वाई क्या होगा, एक्स अगर जीरो से छोटा रखेंगे, स्मॉलर रखेंगे, मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम लोग रखते हैं जीरो से छोटा माइनस वन रखते हैं, तो y क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू रूट अंडर माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर रूट अंडर टू ए और ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, क्या ये इमेजिनरी आ जाएगा, ये माइनस वन का रूट अंडर है मतलब इमेजिनरी आ जाएगा। तो अगर y इमेजिनरी आ गया x के किसी वैल्यू के लिए, x अगर हम लोग जीरो से स्मॉलर रखते हैं और y इमेजिनरी आ गया, अगर y इमेजिनरी आ गया तो इधर कर्व का पोर्शन नहीं होगा, मतलब x जीरो से छोटा रखेंगे तो उधर कर्व का पोर्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जरा समझिएगा कि सच ये रीजन इज जनरली ऑप्टेन ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, वन वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए वन वेरिएबल के लिए सॉल्व किए, वाई के लिए सॉल्व कर लिए, वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लिए, इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल वाई का वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में निकालें एंड फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज, अब सेट ऑफ वैल्यूज निकालते हैं ऑफ वन वेरिएबल विच मेक द अदर इमेजिनरी, अब कौन कौन सा x का वैल्यू y को इमेजिनरी बना देगा वो पता करेंगे, जो जो वैल्यू x का वैल्यू y को इमेजिनरी बना देगा वो उस पोर्शन में कर्व का पार्ट नहीं होगा, उस रीजन में कर्व का पार्ट नहीं होगा। अगर x लेस देन जीरो रखते हैं तो y इमेजिनरी बन जाता है, तो ये इधर कर्व का पार्ट नहीं होगा। अगर x ग्रेटर देन 2a रखें, अगर देखिए मान लीजिए x हम लोग ग्रेटर देन 2a रखते हैं, सपोज करते हैं x का वैल्यू 3a, 2a से बड़ा लेना है 3a ले लेते हैं, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, यहाँ 3a, देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इसमें 3a इंटू रूट अंडर 3a और डिवाइडेड बाय
यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस एक्स के जगह 3a, तो देखिए 3a इंटू रूट अंडर 3a और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2a माइनस 3a मतलब रूट अंडर माइनस a हो जाएगा, तो रूट अंडर माइनस a तो यहाँ पर तो ये इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा तो इसका इस रीजन में भी कर्व का पोर्शन नहीं होगा। कब नहीं होगा, दो केस आया, एक्स लेस देन जीरो में कर्व का पोर्शन नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन 2a में कर्व का पोर्शन, ये दो रीजन में कर्व का पोर्शन नहीं होगा। या एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि ये किस तरीके का कर्व होगा। मैं एक पार्ट इसका थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। इसका कुछ इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से कर्व बनता है, ये इस तरीके, और ये एसिम्प्टोट्स होता है, ये यहाँ पर होता है 2a, 0, और ये हो गया ओरिजिन। तो आप देखिए एक्स लेस देन जीरो में कर्व का पोर्शन नहीं है, ये इधर जीरो से छोटा में कर्व का कोई पोर्शन नहीं है, 2a से बड़ा में कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं है, जो भी है जीरो से 2a तक है। तो एक्स लेस देन जीरो में भी इमेजनरी आ गया, एक्स ग्रेटर देन 2a में भी इमेजनरी आ गया, तो ये दोनों साइड कर्व का पोर्शन नहीं होगा, जीरो के लेफ्ट साइड नहीं होगा, 2a के राइट साइड कर्व का पोर्शन नहीं होगा, जो भी होगा कर्व का पोर्शन जीरो से 2। तो इस तरीके से हम लोग रीजन पता कर सकते हैं, और भी कुछ तरीका होता है जो मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक तरीका ये भी होता है रीजन पता करने का कि किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे वेरिएबल के टर्म में उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और दूसरा वेरिएबल का सेट ऑफ वैल्यूज निकालते हैं ताकि पहला वेरिएबल जो है वो इमेजनरी आ जाए। जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू कौन कौन से वैल्यू के लिए वाई इमेजनरी हुआ वो पता कर लिया, जिस जिस वैल्यू के लिए इमेजनरी हो गया वाई उस उधर कर्व का पोर्शन नहीं हुआ। तो एक फिफ्थ काम करेंगे हम लोग, रीजन पता करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के बारे में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, एसिम्प्टोट्स हम लोग निकाल लेंगे, खास करके एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे अगर कर्व का एसिम्प्टोट्स है तो। तो फॉर दोज कर्व विच पासेज विच पोजेसेस एसिम्प्टोट्स, यहाँ होगा पोजेसेस एसिम्प्टोट्स, वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट देयर एसिम्प्टोट्स बोथ पैरेलल टू द एक्सिस एंड ऑल्सो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट रूट। जो एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो भी पता करेंगे और जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है वो भी पता कर लेंगे, अगर जरूरत पड़े ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का तो उसको भी पता कर। तो अगर किसी कर्व का एसिम्प्टोट्स है तो एसिम्प्टोट्स का भी इक्वेशन निकाल लेंगे, इसका भी जरूरत पड़ता है। जैसे अभी मैं एक फिगर बनाया था वहाँ पर एसिम्प्टोट्स भी दिखाया था, तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल भी और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स भी। अब नेक्स्ट आगे है, ये नंबर 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, एक तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर कि ये पासेज नहीं होगा बल्कि पोजेसेस होगा, और ये हो जाएगा नंबर 7 पॉइंट। तो 7 में क्या है, स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट भी अब काम करेंगे, ये 6 जो है इतना तो करना ही करना है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट भी हम लोग निकालेंगे। कौन कौन सा स्पेशल पॉइंट देगा, देखिए फाइंड द पॉइंट वेयर dy/dx इक्वल, हम लोग ये पता करेंगे कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ का डेरिवेटिव 0 है। इससे क्या पता चलेगा, ये आप लोग पहले ही 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि dy/dx अगर 0 है तो टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर ये पता करेंगे dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर dy/dx इन्फिनिटी है तो ये पता चल जाएगा कि टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस, अगर dy/dx इन्फिनिटी आ गया तो पता चल जाएगा कि उस पॉइंट का टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर dy/dx ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल में dy/dx पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, इससे क्या पता चलेगा कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर dy/dx लेस देन 0 अगर है तो ये पता चल जाएगा कर्व डिक्रीजिंग, कर्व जो है वो डिक्रीज करेगा, आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि dy/dx अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व इंक्रीजिंग होता है, dy/dx नेगेटिव होता है किसी इंटरवल में तो कर्व डिक्रीजिंग होता है। फिर और भी कुछ और भी स्पेशल पॉइंट पता करेंगे, स्पेशल पॉइंट में d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे, अगर ये लेस देन 0 आ गया तो द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड्स, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आए नेगेटिव आए तो कर्व कनकेव डाउनवर्ड्स होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, वो यहाँ पर शायद मिसिंग है मैं बता दूंगा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो कनकेव अपवर्ड्स होता है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है,
मैं जब कर्व को ट्रेस करूंगा तो मैं वहां पर बता दूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि टेंजेंट उस कर्व को क्रॉस करता है, तो मैं फिगर में बता दूंगा। लेकिन इसका तरीका है कि एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। चलिए एक मैं फिगर ही बना दे रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि ये जो है एक कर्व मैं इस तरीके से बना, यहाँ पर इस तरीके से कर्व बन रहा है। ये जो होता है वो कर्व का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एक्स। आप देखिए ओरिजिन पर ये एक्स एक्सिस टेंजेंट होता है, एक्स एक्सिस टेंजेंट है, ये टच कर रहा है, ये टेंजेंट होता है, और ये टेंजेंट एक कर्व को उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर देता है, जिस पॉइंट का टेंजेंट है वहीं पर इंटरसेक्ट कर देता है। देखिए ओरिजिन का ये टेंजेंट है और ये कर्व को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर देता है, तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और इसको निकालने का तरीका होता है कि डबल डेरिवेटिव यहाँ का जीरो होगा, लेकिन ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। हम लोग इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तीन बार, डबल डेरिवेटिव अगर जिस पॉइंट का जीरो आ जाए लेकिन ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। एक इसका निकालने का एक और तरीका होता है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेंजेस साइन वाइल पासिंग थ्रू इट। डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन उस पॉइंट पर जहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो है उसको क्रॉस करने के दरमियान डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेंज होगा। मतलब क्या होगा कि अगर ये ओरिजिन पर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर y इक्वल टू एक्स क्यू है, y इक्वल टू एक्स क्यू, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ जाता है थ्री एक्स स्क्वायर, और डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आता है सिक्स एक्स आता है। तो ओरिजिन पर अगर निकालें, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं कहाँ पर, हम लोग ओरिजिन पर निकालते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो ये जीरो आ रहा है, और ओरिजिन के इधर ये साइड में नेगेटिव होगा और ये साइड में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ओरिजिन को क्रॉस करने के दरमियान साइन चेंज होगा, मतलब ओरिजिन के एक साइड में डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है और दूसरे साइड में पॉजिटिव है, तो साइन चेंज होना चाहिए। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उस पॉइंट के पहले साइन अलग और उसके बाद साइन अलग होना चाहिए। अगर ऐसा भी हो जाए तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता। तो यहाँ पर तीन चीज हो गया, एक और यहाँ पर जो छूटा हुआ था मिसिंग था मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कनकेव अपवार्ड्स होता है, और डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो कनकेव डाउनवार्ड्स होता है। कनकेव अपवार्ड्स, कनकेव डाउनवार्ड्स आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं कर्व में जब ट्रेस करके बताऊंगा तो वहाँ पर बता दूंगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव जीरो लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट जीरो, और डी टू, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव तो जीरो होगा और डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा जब उस पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं जब कर्व को ट्रेस करूँगा तो ये सारी चीज़ें और भी आपको क्लियर होते चला जाएगा मैं कुछ क्वेश्चन को जब बताऊँगा तो। लेकिन क्वेश्चन जो है वो आज मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो को क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताएंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।